हेलो एंड वेलकम टू ऑल आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज़ आवर पार्ट सेकंड ऑफ मीडियन, यानी कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो मीडियन है उसका सेकंड पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं। इन लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस अबाउट द पार्ट फर्स्ट। सो पार्ट फर्स्ट में क्या डिस्कस किया था हमने, हाउ टू कैलकुलेट द मीडियन इन केस ऑफ ओड नंबर, इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज। ठीक है, इंडिविजुअल सीरीज आपको गिवन है और सीरीज में जो टोटल नंबर ऑफ आइटम्स है वो आपको ओड गिवन थे। नाउ वॉट इज़ टूडेज टॉपिक, टूडे वी आर गोइंग टू डिस्कस मीडियन इन केस ऑफ इवन नंबर। अब जैसे एक एग्जाम्पल लिया है हमने, वेट ऑफ 8 स्टूडेंट्स इन KG इज़ नोटेड एज, 8 स्टूडेंट्स हैं उनका वेट आपको गिवन है। तो सबसे पहली जो कंडीशन है इंडिविजुअल सीरीज़ में मीडियन कैलकुलेट करने के लिए वो यही है कि जो रो डाटा आपको गिवन है अरेंज दैट इन आइदर इन असेंडिंग ऑर्डर और इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो मैंने क्या किया है, इन सभी नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में क्या कर लिया है, अरेंज कर लिया है। ठीक है, अभी क्या है, फॉर्मूला जो है वो अभी भी हमारा सेम रहेगा। मीडियन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला मैंने कल क्या बताया था, एन प्लस वन डिवाइड बाय टूथ आइटम ऑफ द सीरीज, डिवाइड बाय टूथ आइटम ऑफ द सीरीज। ठीक है, मीडियन को हम एम से डिनोट कर रहे हैं और एन जो है, एन इज़ टोटल नंबर ऑफ आइटम्स, और टोटल नंबर ऑफ आइटम्स साफ साफ गिवन है, कितना है, वेट ऑफ 8 स्टूडेंट्स, दैट मीन्स n इज इक्वल टू 8। सो वॉट वुड बी द वैल्यू ऑफ मीडियन, 8 प्लस 1 डिवाइड बाय 2th आइटम ऑफ द सीरीज। नाउ 8 प्लस 1 डिवाइड बाय 2, दैट मीन्स इट वुड बी इक्वल टू 4.5th आइटम ऑफ द सीरीज। अब 4.5th आइटम ऑफ द सीरीज, अब 4.5th हम कैसे निकालेंगे, तो इसका मेथड ये है, देखिए 4.5th यानी कि जो नंबर है वो आपका लाए करेगा किसके बीच, फोर्थ नंबर और फिफ्थ नंबर के एग्जैक्टली मिड में। ठीक है, फोर्थ और फिफ्थ नंबर के एग्जैक्टली मिड में लाए करेगा। तो इसका मेथड क्या है, देखिए नंबर है फोर्थ और फिफ्थ के बीच में, तो क्या करना है, यहाँ पे फोर्थ नंबर और फिफ्थ नंबर इन दोनों को लेना है और इन दोनों का क्या कैलकुलेट कर लेना है, एवरेज कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है, जैसे इसमें देखिए 1 2 3 4, दिस इज़ योर फोर्थ नंबर ऑफ द सीरीज एंड 72 इज़ फिफ्थ नंबर ऑफ द सीरीज। सो एम विल इज इक्वल टू 4.5th है, तो 4 इज 71 प्लस 72 डिवाइड बाय 2, ये आपका हो जाएगा 143 डिवाइड बाय 2 एंड दिस वुड बी इक्वल टू 71.5 kg। यानी कि जो मीडियन आएगा इस पूरी सीरीज़ का, मीडियन क्या आएगा, 71.5। अब देखिए, अगर देखिए मैं ये पांच नंबर लिखती हूँ 1 2 3 4 5, और अगर मैं ये पूछूं कि एग्जैक्ट मिड में कौन सा नंबर है, तो ये तो बहुत इजी है, आपको दिखाई दे रहा है कि एग्जैक्ट नंबर जो है वहाँ पे मिड में क्या है, थर्ड नंबर है। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसमें आगे यहाँ 1 2 3 4 5 6 और लिख देती हूँ, दैट मीन्स अब अगर मैं यहाँ आपसे पूछूँ कि एग्जैक्ट मिड में कौन सा नंबर है, तो आप बोलोगे एग्जैक्ट मिड में आप क्या बता सकते हो, थर्ड और फोर्थ है। ठीक है, क्योंकि मिड वैल्यू का मतलब होता है, मिड वैल्यू का मतलब होता है टू डिवाइड द सीरीज़ इनटू टू इक्वल पार्ट्स, किसी भी सीरीज़ को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। अब किसी सीरीज़ के दो तो मीडियन नहीं हो सकते ना, तो क्या करना पड़ेगा, क्या करना है, इसका मेथड ये है, टेक द एवरेज ऑफ दीज नंबर, तो 3 + 4 एवरेज लेने का मेथड क्या है, जो नंबर है उनको किससे डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, तो ये आपका नंबर आ जाएगा 3.5। तो एवरेज जो होगा इस सीरीज़ का, सॉरी मीडियन जो होगा इस सीरीज़ का, दैट वुड बी 3.5। ठीक है, अब 3.5 जो है वो यहाँ पे एग्जैक्ट आ जाएगा ना मिड में, तीन नंबर यहाँ से रह जाएंगे, ये नंबर यहाँ से रह जाएंगे, और जो ये नंबर होगा ये आपकी सीरीज़ का क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए मीडियन में मैंने आपको बताया था, फर्स्ट ऑफ ऑल मीडियम हमें कैलकुलेट करना है इंडिविजुअल सीरीज़ में। इंडिविजुअल सीरीज़ के हम दोनों पार्ट्स डिस्कस कर चुके हैं, ओड भी, ओड नंबर भी एंड इवन नंबर भी। आफ्टर दैट द सीरीज इज डिस्क्रीट सीरीज़। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा सेकंड पार्ट है ये है मीडियन इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज, व्हाट इज डिस्क्रीट सीरीज,
डिस्क्रीट सीरीज इज द सीरीज इन विच एग्जैक्ट मेजरमेंट ऑफ ईच आइटम इज पॉसिबल, जहाँ पर हर आइटम का एग्जैक्ट मेजरमेंट क्या हो पॉसिबल हो। ठीक है, तो देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। ये हमें गिवन है सपोज साइज एंड दिस इज द फ्रीक्वेंसी। सो व्हाट इज साइज? द वैल्यू ऑफ साइज इज 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10 and the frequency is 2, 3, 8, 10, 12, 16, 10, 8 and 6। ठीक है, ये कौन सी सीरीज गिवन है हमें? डिस्क्रीट सीरीज गिवन है एंड वी हैव टू कैलकुलेट मीडियन ऑफ दिस सीरीज। ठीक है, तो देखिए बेटा मीडियन निकालने का जो फॉर्मूला है, ठीक है, यहाँ पे वो यही रहेगा। क्या रहेगा? मीडियन निकालने का फॉर्मूला होगा साइज ऑफ एन प्लस वन डिवाइड बाय ट्वेल्थ आइटम ऑफ द सीरीज। साइज ऑफ एन प्लस वन डिवाइड बाई ट्वेल्थ आइटम ऑफ द सीरीज। अब जब एवरेज के केसेस हमने डिस्कस किए थे तो उसमें मैंने आपको पहले बताया था कि अगर हम डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टीन्यूस सीरीज की बात करते हैं और वहाँ पे अगर मैं एन की बात करूँ तो वहाँ पर एन का मतलब क्या है? एन का मतलब है आप लोगों का समेशन ऑफ द फ्रीक्वेंसीज, यानी कि n जो है डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टीन्यूअस सीरीज में क्या होता है आपका? सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, तो ये आपको फ्रीक्वेंसीज गिवन है। यहाँ पे आपको क्या करना है? सबसे पहले n निकाल लो। n जो है आपका वो आपका क्या होगा? cf निकालिए पहले, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज क्या होती है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है फ्रीक्वेंसीज जो है वो आपस में ऐड हो जाती है। देखिए फर्स्ट वन पे क्या रहेगा आपका? 2। यहाँ क्या हो जाएगा? 2 + 3 = 5, 5 + 8 = 13, 13 + 10 = 23। यानी कि जो फ्रीक्वेंसीज हैं ये फ्रीक्वेंसीज आपस में क्या होती जाएंगी? ऐड होती जाएंगी। अभी यहाँ पे 23 आ गया है, यहाँ पे आप क्या ऐड कर दीजिए? 12 ऐड कर दीजिए, तो ये आपका आ जाएगा 35, 35 + 16, दिस इज़ योर 51, 51 + 10 = 61, 61 + 8 = 69 and 69 + 6 = 75। और ये जो लास्ट में जो सम आता है ना, यही हमारा किसके इक्वल होता है? n के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? n के इक्वल। देखिए मैंने अभी आपको क्या बताया, n का मतलब होता है, n इज समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। एन इज समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी है। इन सबको आप क्या कर दीजिए? ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा? एन आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग मीडियन इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज। मैं एक बार दोबारा से लिख रही हूँ, साइज ऑफ n प्लस वन डिवाइड बाय ट्वेल्थ आइटम ऑफ द सीरीज। n, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? 75 + 1 डिवाइड बाय ट्वेल्थ आइटम, 76/2। 38th आइटम, यानी कि इसका मतलब हो गया साइज ऑफ 38th आइटम। अब 38th आइटम का हम कैसे पता लगाएंगे कि 38th आइटम है ये? ठीक है, तो देखिए जब हमने n कर लिया तो अभी हमें इसके मीडियन की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो कैसे? 38th आइटम देखिए, अभी cf में आ जाइए, यहाँ पर 2 आ रहा है, 5। सबसे पहले आपको ये देखना है कि 38th जो नंबर है ना, वो सबसे पहले यहाँ पे कौन से साइज़ में आया होगा। अब देखिए यहाँ 2 है, यहाँ पॉसिबल नहीं है, 5 है पॉसिबल नहीं है, 13 है यहाँ भी पॉसिबल नहीं है, 23 है यहाँ भी पॉसिबल नहीं है, 35 है यहाँ भी पॉसिबल नहीं है, 51, यानी कि 51 जो आ रहा है इसमें आपने देख लिया, यहाँ तो 35 पे कंप्लीट हो गए हैं। अब जब 35 में हमने
16 ऐड किया तो हमारे पास क्या आया, 51, यानी कि 38th जो नंबर है सबसे पहले यहाँ आया होगा, ठीक है। तो इसको आप इस तरह से, ठीक है, इसका मतलब ये है कि 38th नंबर सबसे पहले यहाँ लाई किया है, और इसके सामने जो आपको x की वैल्यू दे रखी है, यानी कि जो आपको साइज़ की वैल्यू दे रखी है, यही तो बोला ना, साइज़ ऑफ 38th आइटम, 38th आइटम हमने चेक कर लिया, 38th आइटम सबसे पहले कहाँ लाई कर रहा है, साइज़, तो कौन से साइज़ पे लाई कर रहा है, 7 पे, दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ मीडियन इज इक्वल टू 7, क्लियर। दिस इज़ द वे दैट यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मीडियन बाय यूजिंग डिस्क्रीट सीरीज। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू।